सब्सक्राइब करें किरण सियामी किचन को और बेल आइकन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आपका स्वागत है किरण सियामी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं कोकोनट चटनी। इसे इडली, डोसा या उत्तपा के साथ खाया जाता है। इडली की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इडली की रेसिपी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चटनी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें लगेगा 1 और आधा कप यानी 1 ग्रेट किया हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून दालिया, 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद उड़द दाल, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कटी हुई अदरक, थोड़ा धनिया पत्ता और 1 टेबलस्पून तेल। तड़के के लिए हमें लगेगी 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द दाल, 2 टेबलस्पून तेल और 10 से 12 कड़ी पत्ते। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चटनी में डालने के लिए हम उड़द दाल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है तवे पर। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे उड़द दाल और दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करेंगे। दाल अच्छे से फ्राई हो गई है, फ्लेम ऑफ करके इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब एक मिक्सर जार में डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, दालिया, फ्राई की हुई उड़द दाल, धनिया पत्ता, थोड़ा पानी, नारियल, नमक और अब हम इन्हें फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने सब चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे और तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक पैन में डालेंगे तेल। तेल गर्म हो जाने पर लो फ्लेम पर इसमें डालेंगे राई। राई क्रैकल हो जाने पर इसमें डालेंगे उड़द दाल और दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और इन्हें लगभग 1/2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो तड़का हमारा रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर इसे चटनी पर डाल देते हैं। तो चटनी हमारी रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से और भी यमी यमी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हैप्पी कुकिंग।